क्रिकेट का बाजार अब भी गर्म है विराट कोहली और रोहित शर्मा की लड़ाई को लेकर, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितना ये अफवाह है, ये साफ अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन साफ साफ कह दिया है विराट कोहली ने कि उनके और रोहित शर्मा के बीच में सब कुछ ठीक है, पहले जैसा है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि भारतीय क्रिकेट टीम में भी सारे ही खिलाड़ियों के बीच में सब कुछ ठीक हो, इसीलिए इस वीडियो में हम लाए हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम जिनके बीच हमको वक्त वक्त में मतभेद दिखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन क्रिकेट के दो लेजेंड्स सुनील गावस्कर और कपिल देव कहते हैं जब ये साथ में खेलते थे साथ में इनकी नहीं बनती थी। 1984 में इंग्लैंड का दौरा हुआ था भारत में, जहां उन्होंने ओडीआई और टेस्ट सीरीज खेलना था, लेकिन कहते हैं तब के जो कप्तान थे सुनील गावस्कर, उन्होंने कपिल देव को सिर्फ इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि दोनों की आपस में नहीं बनती थी। इस बात को लेकर दोनों ही खिलाड़ियों ने कई बार बात किया है मीडिया में और लगातार सुनील गावस्कर ने ये कहा है कि भले ही दोनों ही खिलाड़ियों का जो फ्रेंड सर्कल था वो अलग था, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान जरूर था पहले भी और अब भी। तो वहीं पे इनकी तरफ से कुछ भी प्रस्ताव नहीं रखा गया था कि उनके एक लौते मैच विनर जो कि कपिल देव है उनको तीसरे टेस्ट मैच में बिठाया जाए, क्योंकि तब जो कप्तान हुआ करते थे भारतीय क्रिकेट टीम के वो सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर भी हुआ करते थे और सुनील गावस्कर ने यह प्रस्ताव नहीं दिया था कि तीसरे टेस्ट मैच में कोलकाता में बिठाया जाए कपिल देव को। तो वहीं पे कपिल देव ने भी इस बात को कबूला है कि पहले दो टेस्ट मैचों में जिस तरह से वो शॉट खेल के आउट हुए थे वो गैर जिम्मेदाराना था और तीसरे टेस्ट मैच में जो उनके साथ हुआ वो ठीक भी था और करना भी चाहिए था, क्योंकि जब देश के लिए आप खेलते हो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है और उसको निभाना होता है। तो ये देखकर तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में तब भी और अब भी ठीक है, क्योंकि हाल ही में सुनील गावस्कर ने एक पोस्ट में जो कि बायोपिक मूवी है 83 उसको प्रमोट करते हुए दिखे थे हमको कपिल देव का। भारत के दो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन कहते हैं इन दो खिलाड़ियों के बीच में शुरुआत से ही कुछ भी ठीक नहीं रहा था, क्योंकि सचिन का करियर का शुरुआती दौर पर कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरफ से सपोर्ट नहीं दिखा था, तो वहीं पे सपोर्ट नहीं मिला सचिन को जब सचिन चुने गए थे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, क्योंकि अजहरुद्दीन का मानना था कि सचिन में वो काबिलियत नहीं कि वो अच्छे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन सके या फिर कप्तान बन सके। ये बात कुछ ऐसे ही चलता रहा था और ज्यादा खराब तब हुआ था जब 1999 में मोहम्मद अजहरुद्दीन फंस गए थे मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में और तब सपोर्ट नहीं दिखा था सचिन की तरफ से। और कहते हैं कि जब पूछा गया था सचिन से क्या आपको कंट्रोवर्सी से डर लगता है, तो सचिन का ये बयान था कि मुझको कंट्रोवर्सी से डर नहीं लगता, लेकिन मैं कुछ गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिसके बारे में मुझको बिल्कुल पता नहीं है। और इस तरह से हमको कुछ खराब भले ही हो या फिर ना हो रिश्ता बनता हुआ दिखा मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर के बीच में, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर इन दो खिलाड़ियों के बीच में सब कुछ ठीक होता तो क्या पता भारत बड़े बड़े कीर्तिमान तब भी कर सकता था, क्योंकि ये दो बल्लेबाज काफी शानदार हैं। ये तो पहले से ही दिखता आ रहा है कि सौरव गांगुली और रवि शास्त्री के बीच में ज्यादा कुछ ठीक नहीं है। खुद रवि शास्त्री ने यह कहा था कि 2007 में सौरभ गांगुली को उन्होंने पढ़ाया था एक पाठ पंक्चुअलिटी का, यानी कि समय का आदर करने का, और सौरभ गांगुली काफी ज्यादा लेट हो गए थे जिसके चलते रवि शास्त्री ने कह दिया था कि इंडियन क्रिकेट बस को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इस बात को पूरी तरह से नकारते हुए दिखे थे हमको सौरभ गांगुली। और कहते हैं इन दोनों के बीच में जो खराब रिश्ता है उसी के चलते 2016 में जब सौरभ गांगुली थे क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के एक मेंबर, बाकी मेंबर के साथ उन्होंने चुन लिया था इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच अनिल कुंबले को, और इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज हो गए थे रवि शास्त्री, क्योंकि रवि शास्त्री भी उस दौड़ में शामिल थे। तो वहीं पे कहते हैं कि रवि शास्त्री सौरभ गांगुली को नहीं मानते हैं एक बतौर कप्तान बेहतर खिलाड़ी, तो वहीं पे खुद रवि शास्त्री ये बाद में कहते हुए भी दिखे थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा सम्मान रखते हैं और ये कहने की जरूरत नहीं है कि रवि शास्त्री खुद को एक बतौर कोच और सौरभ गांगुली को बतौर कप्तान कैसा देखते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स ही बता देते हैं कि दोनों ही शानदार रहे हैं।
कई खिलाड़ी और लोगों के मन में ये बात अभी भी चल रहा होगा कि वो खिलाड़ी जिन्होंने जीत दिलाई थी 2011 वर्ल्ड कप में, वो खिलाड़ी एक बार फिर से हमको भारत के लिए खेलते हुए नजर क्यों नहीं आए। तो कहते हैं इसके पीछे जो कारण है वो है महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी चाहते थे ऐसे खिलाड़ी जो कि काफी ज्यादा फिट हो और लंबे समय के लिए भारत के लिए खेल सके। इसलिए जो दो प्रमुख खिलाड़ी है जिसमें नाम है गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग, इनको नहीं चुना गया था और इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज थे दो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी से। तो वहीं पे गौतम गंभीर हमको कई बार ऐसा करते हुए दिखे हैं कि उनकी सहमति नहीं दिखी है, केवल उस छक्के को ज्यादा तवज्जो देना जो मारा था महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। और उन्होंने लगातार ये कई बार कहा है कि उसमें पूरा टीम का एक हिस्सा था, उनकी जिम्मेदारी दिखी थी जिसके चलते भारत जीत पाया था उस वर्ल्ड कप को, और केवल एक छक्के को ज्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं है। तो बीच बीच में कुछ ऐसा ट्वीट या फिर ऐसा कमेंट कर देते थे गौतम गंभीर, जिसके चलते काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाता था और पता चलता था कि इनडायरेक्टली वो टारगेट कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को ही। तो वहीं पे हमको दिखते थे वीरेंद्र सहवाग ये कहते हुए कि उनका जो करियर है वो लंबा जा सकता था, लेकिन जो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स जो कि नहीं होना चाहिए था इंडियन क्रिकेट टीम में, उसके कारण उनका करियर लंबा नहीं हो सका। तो यहीं पे हम ये जरूर कहेंगे कि ये तीनों ही जो खिलाड़ी है इनका जो करियर रहा है भारत के लिए वो काफी शानदार रहा है, और ये जो बात हमको सुनने को मिला है हम ये तो यही चाहेंगे कि ये थोड़ा रूमर ही हो, लेकिन कितना सच कितना नहीं है ये तो वो लोग ही जानते हैं। विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों ही ऐसे खिलाड़ी जिनको गर्म मिजाज का माना जाता है, और ये किसी से छुपा नहीं कि दोनों खिलाड़ियों का कैसा रहा है रिश्ता आपस में। दोनों खिलाड़ी हमको आपस में लड़ते हुए भी दिखे हैं आईपीएल मैच में, और वही कहा जाता है कि गौतम गंभीर का जो कमबैक हो सकता था इंडियन क्रिकेट टीम में वो नहीं हुआ विराट कोहली के चलते ही। भले ही जो गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो उसी तरह से हमको बिल्कुल नहीं पता लग रहा है जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में हो गई है लड़ाई। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि ये दो खिलाड़ी हमको बिल्कुल आराम से दिखे खेलते हुए भारत के लिए मिलजुल कर, ताकि हमको भारत के लिए बड़े बड़े कीर्तिमान बनता हुआ दिखे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आपको छोड़े जाता हूं जरूर, लेकिन कहूंगा कि आप भी भारत के लिए और भारत के खिलाड़ियों के लिए एकता के लिए कीजिए दुआ और बिल्कुल हमारे इस चैनल में बने रहिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को करें लाइक दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल क्रिकेट दादा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलेगा, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूं आपसे विदा, गुड बाय एंड टेक केयर।